अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है चिकन के हवाले से, और आज जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है चिकन आलू। और ये कैसे बनेगा, इसकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं मामा से। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैं ना इसमें ना तेल डाल दिया। और तो कितने अदद आपने प्याज लिए हैं? तीन। तीन अदद। आप एक दफ़ा सारी चीज़ों की मकदार बता देना जो देखने वाले हैं उनको, अच्छा। ताकि आइडिया हो जाए। अच्छा, ये ना मैंने ना तीन प्याज ले लिए। तो आज हम बना रहे हैं चिकन आलू। हाँ जी, चिकन आलू। तो ये मैंने आलू काट लिए तीन चार। ठीक है, ठीक है। ये गोश है, तो ये ज़ीरा लिया आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच नमक का, एक चम्मच मिर्च का। ठीक है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो हम लोग बना के रखते हैं। गोश है, ये धनिया है, ये तो गार्निशिंग में काम आएगा ना धनिया। हाँ जी, वो ना दही लेने गए हैं। ठीक है, तो दही हम लोगों ने वो भी इसके अंदर शामिल करनी है। तो व्यूअर्स, ये एक ओवरव्यू हमने आपको दे दिया कि हमने कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। हाँ जी, रख दूँ मैं? जी जी, रखें आप। तो व्यूअर्स, जब हम लोगों ने अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर दिया, पहले हम लोगों ने जो प्याज है उनको हम लोगों ने ब्राउन करना है कि लाइट सा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये स्पाइसेस डाल दिए, और आप लोगों ने देखना है कि जौन सी चिकन तो बनता ही रहता है घर में, ठीक है। और आज हम इसको आलू के साथ बना रहे हैं, तो आप लोगों ने देखना है कि मज़ेदार जौन सी चिकन आलू की रेसिपी है वो कैसे तैयार होंगे। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो सी आज की हमारी रेसिपी है चिकन आलू जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं उसको हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने प्याज जो से हैं वो लाइट ब्राउन करके करने हैं तैयार। तो यहाँ पर प्याज हमारे तैयार हो रहे हैं, और आप इनका जो साउंड है वो भी सुन सकते हैं कितना यहाँ पर शोर हो रहा है। तो अभी प्याज को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग इनको ब्राउन कर लें और आपको दिखाते हैं कि जो मज़ेदार सी हमारी आज चिकन आलू की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है। ये मैंने ना लहसुन अदरक डाल दिया इसमें, प्याज हमारे हो गए हैं, तो ये भून के ना पानी डाल के ना 5-10 मिनट के लिए ना गलने के लिए रख देते हैं फिर इसे। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्याजों को इतना लाइट सा कलर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपको जो है आलू चिकन का सालन बना सिखा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसे कौरमे की तरह काले या ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा हम लोगों को सोते करना है। और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो सा एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है वो शामिल कर देना है। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम लोगों ने इन प्याज़ों को पानी लगा के गलने के लिए रख देना है। और जैसा कि आप लोगों को जितना अच्छा हम लोग भुनेंगे उतना ही अच्छा जो सा है वो हमारे सालन का जायका बनेगा। तो इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, जो भी आप चीज़ बनाएं, जो भी आप रेसिपी बनाएं, तो उसके अंदर जो उसकी भुनाई हो उस पर खास ख्याल दें। और अब हम लोग इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं। हाँ, ये गलने के लिए। अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए गलने के लिए रख रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं, और फिर आप लोगों ने देखना है कि मज़ेदार से जो सी हमारी आलू चिकन की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि जौन सा हम लोगों ने आज आपको आलू चिकन सिखाना है बनाना, उसकी रेसिपी के लिए हम लोगों ने प्याज रख दिए थे गलने के लिए। प्याज यहाँ पर गल गए हैं, पानी खुश्क हो गया, इसी दौरान हम लोगों ने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। तो अब हम जो इसके अंदर है वो चिकन शामिल कर रहे हैं। चिकन भी आलू भी? चिकन भी और आलू, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ ही हम लोग डाल देंगे, दोनों गल जाएंगी ना फिर भून लेंगे। तो दोनों ही चीज़ें हम लोग इसमें शामिल करें, चिकन हम लोगों ने डाल दिया, अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है वो आलू शामिल कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको क्या करना है, नमक मिर्च? नहीं, नमक मिर्च नहीं, फिर दही डालूंगी ना, थोड़ा से हो जाए ना ये। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, और फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो दही है वो शामिल करनी है। ये देखिए आप, माशाल्लाह, ये थोड़ा सा पानी है ना ये खुश्क हो जाए साथ, ये मुर्गी भी हो जाएगी, दही उबा के ना फिर भून लेंगे बस। ठीक है, तो अब हम लोग उसका पानी खुश करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी पानी खुश्क नहीं हुआ, आलू भी हम लोगों ने डाल दी, चिकन भी डाल दी, दोनों चीज़ें ही एक साथ डाल दी हैं, तो दोनों चीज़ें हमारी एक साथ तैयार हो जाएंगी। अब हम लोगों ने पानी खुश्क करना है, उसके बाद वही स्पाइसेस जो हम लोगों ने आपको वीडियो के शुरू में दिखाए थे। अगर आप लोगों ने हमारी रेसिपी को पूरा देखा तो आपको पता होगा कि कौन कौन से स्पाइसेस हमने शामिल करने हैं। हाँ जी, ये मैं मतलब दही डाल रही हूँ, दही से ना सालन भी अच्छा बन जाता है, जायका भी, और पानी भी खुश्क हो गया काफ़ी हद तक। देखिए थिकनेस भी आ गई है, तो थिकनेस भी हो जाएगी ना इससे सालन में दही डालने की वजह से। हाँ जी,
अब ये गाढ़ा भी हो जाएगा तो ये थोड़ा सा पानी सूखता है ना, फिर मैं ना नमक मिर्च डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ये दही का पानी सूख जाए। तो व्यूअर्स इनसे पहले भी थोड़ा सा पानी मौजूद है, अभी खुश्क नहीं हुआ और हम लोगों ने इसी तरह दही भी डाल दी है, तो जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले डालकर इसके अंदर फिर इसको इसकी भुनाई करेंगे। ये देखे ना, ये गोश्त भी गल गया, आलू भी काफ़ी गल गए हैं, फिर थोड़ा सा शोरबा डाल के ना बस जल्दी से तैयार हो जाएगा ये मसाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आपको ये जो सी मज़ेदार सी आलू गोश्त की ये जो हम लोगों ने आपको चिकन और आलू की रेसिपी सिखाई है वो पसंद आएगी। डाल रही हूँ मैं, अभी ये मसाले डाल के ना अब मिलते हैं, अब घी आने लगा है इसके ऊपर, अब घी आ जाएगा तो थोड़ा सा शोरबा डाल के ना पानी बना लेंगे। माशाल्लाह शक्कर कितनी जबरदस्त लग रही है इसकी। ये देखे ना घी आना शुरू हो गया, अब ये अच्छी तरह ना मैं 2-3 मिनट ना भूनती हूँ इसे अच्छी तरह। आलू भी काफ़ी हद तक गल गए हैं, ये देखें घी भी आने लग गया, गोश्त भी गल गया। माशाल्लाह शक्कर बहुत ज़बरदस्त लग रही है, देखिए मुँह में पानी आ रहा है कितने मज़ेदार। अगर हम लोग स्टेज पे जाए मतलब इस तरह इसको भी फाइनल कर सकते हैं ना। हाँ जी, मतलब अगर शोरबा ना बनाना हो तो, शोरबा नहीं अगर बनाना तो ये है कि बस गले हुए हों दोनों चीज़ें, बस इस यहाँ पे फाइनल कर सकते हैं। हाँ जी, मुर्गी भी गली हुई हो तो वो भी ठीक है। ये देखे ना घी भी आना शुरू हो गया, ये देखे घी आ गया। ये अब मैं थोड़ा सा इस पर पानी डालती हूँ ना, 2-3 मिनट हो गए इसे भूनते। ठीक है, तो बबल्स भी व्यूअर्स जिसके अंदर आप लोग दे सकते हैं बन रहे हैं, आलू भी गल चुके हैं, चिकन भी गल चुका है और खुशबू का क्या ही कहना, बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है यहाँ पर। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाएं, अपनी अपनी फीडबैक दे के मज़ेदार से जोन सी चिकन आलू की रेसिपी आपको कैसी लगती है। अगर आप लोगों ने शोरबा नहीं करना तो इस स्टेज पर बस आप दोनों चीज़ों को गला लें तो फिर ये आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। इससे ये है ना, ये देखें घी भी आ गया, इससे ये है ना दही से सालना ज़रा गाढ़ा हो जाता है। बहुत टमाटर भी डाल लेते हैं, टमाटर से इतना नहीं होता तो ये दही से ना अब अपने हिसाब से ना आप पानी डाल दें। अब हम उसको पकने के लिए थोड़ी देर में रख रहे हैं। हाँ, और फिर इसको फाइनल करके इसको हाँ शॉप कर देंगे। हाँ जी, तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह अपनी फीडबैक देते रहें। थोड़ा सा हम लोगों ने और इसके अंदर पानी शामिल कर दिया, इसको पकाते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। माशाल्लाह 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 जबरदस्त। धनिया भी डाल दिया, गुलाबा, अच्छा जी। ये लें जी, लास्ट में हम लोगों ने वो इतनी प्यारी धनिया की खुशबू आई है, हरी हरी सी, दिखने में भी इतनी ज़बरदस्त ये रंगत लग रही है। ये गरम मसाला, और ये गरम मसाला भी हम लोगों ने डाल दिया है। ये लें जी, मज़ेदार सा जो सा हमारा आज चिकन आलू का सालन है, आलू चिकन हमने आप लोगों को सिखाया है, ये बन गया है। और लास्ट पे हम लोगों ने इसको जो है धनिया के साथ गार्निश किया है, गरम मसाला डाला है और अब हम इसको बिल्कुल फाइनल तो डिश आउट करेंगे। अब हम इसको इधर से नहीं निकाल दूँ मसाला, चलें आप इधर ही डिश आउट कर ले, फिर हम इसका जो फाइनल लुक होगा अपने व्यूअर्स को दिखा देंगे। देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, आलू भी गल गए हैं और जो ये चिकन है ये भी गल गया है। तो उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी है, जो सी हमने आपको आलू चिकन बनाना सिखाया है, चिकन तो बनता ही रहता है, उसका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। और आपको हमने 2-in-1 यानी कि अगर आप लोगों ने जो एक फर्स्ट स्टेप था कि जब हम लोगों ने दही डाल के इसको फाइनल किया था, बस शर्त कि आपके आलू और चिकन गले हुए होने चाहिए, तो आप लोग उसको तब भी फाइनल कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप आपको जो दूसरा आपको सिखाया गया वो ये कि अगर आपने इसके अंदर शोरबा तैयार करना है, शोरबा बनाना है, तो आप लोग पानी डाल सकते हैं। तो आप इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये लें जी व्यूअर्स, ये है इसका फाइनल लुक और देख ले माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब दिल कर रहा है जल्दी से बस नान मंगवा लिया जाए और इसको खा लिया जाए। और ये जो मज़ेदार सा जो सा चिकन का सालन है हमारा तैयार हो गया है। ये देखें साइड पे इसकी ये जो तरी आई हुई है ये भी आई हुई है, ऊपर धनिया भी डाला हुआ है, इतना ज़बरदस्त ये लग रहा है दिखने में। ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हमें दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।